गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी टांग सो गई यार वीडियो बनाते बनाते। चलो कौन पढ़े यार, किसका मन करता है ऐसे मौसम में पढ़ने का। गुड मॉर्निंग मामी, आपकी एक्सरसाइज का हुआ कुछ फायदा? वेट 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 नहीं चेक कर रहे आप? आज तो हो रहा सच में मौसम साफ। हाँ नहीं नहीं उनके साथ स्कूल के पास आज किस चीज की ड्यूटी एग्जाम वालों के? नहीं आज है तो है पर वो कुछ एग्जाम की ड्यूटी है आज। व्हाई सो लेट? हाँ जी चल 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 तुम्हारे खराब नहीं आप आपकी तो अलग फैन फॉलोइंग है। पर वो होता है चखने के लिए ऐसा कि क्या चखते रहे उसको। Nowadays you wanna talk but you never listen. Wanna get real close but you always distant. You say take things slow then you go. Hi, I am fresh guys. Finally, आज कल मैं नहाई नहीं थी, आज मैंने सोचा जो भी हो जाए आज तो नहाऊंगी नहाऊंगी। और चलो अब फटाफट से गर्म पानी और कॉफी बना लेती हूँ फिर चलते हैं पढ़ने। मम्मा आज घर पे नहीं आप? एक्चुअली आज मम्मा जा रहे हैं, वैसे तो आज संडे है बट आज कुछ स्कॉलरशिप का एग्जाम है ना। कौन सी क्लास का मम्मा? फिफ्थ का, तो उसमें मम्मा की ड्यूटी लगी है तो ये जाएंगे अभी। और अनफॉर्चुनेटली आई विल बी अलोन अगेन गाइस, आज भी तुझे इस वाले क्लास में। गाइस सो दोस्तों, हेलो दोस्तों दोस्तों दोस्तों, यार मैं दोस्तों बोलना भूल ही गई ना जैसे। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ फ्रेश होके, अब फाइनली मैं बैठ रही हूँ अपनी स्टडी के। 8:15 हो गए मुझे इतना कंट्रोल, कितना जल्दी करूँ मैं, हर बार इसी टाइम पे फ्री होती हूँ। तो गाइस मैं पूरे दिन भर मैनेज कर पाती हूँ 11 घंटे पढ़ना, मैंने कोशिश की मैं 12 घंटे करूँ बट यार टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रही हूँ मैं इतना, क्योंकि फिर मुझे व्लॉग भी एडिट करना होता है और रनिंग पे भी जाना है और नींद में भी मैं 5 घंटे नहीं सो सकती यार, वरना मेरा दिन ही पूरा खराब होगा अगर मैं 5 घंटे सोना शुरू करूँ तो। आज मैं 11 घंटे को मैंने 6 तरफ डिवाइड किया है, क्योंकि मैंने आज से डिसाइड किया कि मैं मैगजीन भी पढ़ूंगी, तो जिसमें मेरे 4 घंटे तो सबसे पहले मेन सब्जेक्ट, 2 घंटे पीटी को मैंने दिए हैं और 2 घंटे रिवीजन को और 1-1 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग और जो मंथली मैगजीन होती है उसको और बचा 1 घंटा टेस्ट। बाकी देखते हैं आज कितना मैनेज हो पाएगा, क्योंकि आज तो मैं इतने दिनों बाद सही शेड्यूल में बैठने जा रही हूँ। सो लेट्स सी। मैं जा रही हूँ नीचे, नीचे वाली ताई जी के घर। एक्चुअली भैया ने वीडियो बनाने के लिए बोला था तो जा रही हूँ अभी। गुड मॉर्निंग ताई जी। गाइस हम आए हैं ये ताई जी के घर में और ये मेरे छोटे ताऊ जी पेंट करते हुए। ताऊ जी तुझको देखो, हेलो। ये है मेरे छोटे ताऊ जी, कोई नहीं ऐसे ही वीडियो बनाने लगे और ये पेंट करते हुए। रुको भाई को करी थी मैं कॉल, उन्होंने बोला था हम नहीं चक्की रहे, वो अपन नहीं कहाँगे। एक्चुअली भैया जॉब करते हैं बाहर तो इसलिए उन्होंने देखने के लिए मांगी थी वीडियो कि घर पे क्या कैसा काम चल रहा है और हो रहा है। सो ये रही मेरी दूसरी पानी की बॉटल गाइस, क्योंकि मैंने पहली कंप्लीट कर ली है। यूहू। और एक्चुअली यार कल रात में व्लॉग एडिट करना भूल गई थी, सो आई थॉट कि अभी अब व्लॉग ही एडिट कर लेती हूँ, वही मेरा ब्रेक होगा, फिर 1 बजे से पढ़ूंगी आराम से। गाइस 1 बज गया है, 1:12 हो गए और मैं व्लॉग वगैरह एडिट करके कंप्लीट हो चुकी हूँ, अब जल्दी से पढ़ती हूँ यार, बहुत टाइम हो गया है। गाइस बाहर जबरदस्त बारिश शुरू हो गई है यार फिर से। कैन यू हियर दिस गाइस? अब तो कुछ ज्यादा ही शुरू हो गई है। एक तरफ धूप है तो एक तरफ बारिश है, देखो
तो मैंने एक्चुअली प्लान किया है कि हर रोज मैं पीटी 365 के 10-10 पेजेस कंप्लीट करूंगी और मंथली मैगजीन के 5-5 पेजेस कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मंथली मैगजीन में एक महीने में एक ही तो आती है, तो मतलब महीना भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे. सो इस सेशन में मैं पीटी 365 पढ़ रही थी, क्योंकि फर्स्ट वाले सेशन में मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी. सो लेट्स सी आगे कैसे चलता है गाइज, अभी तो ठीक चल रहा है. मेरी दूसरी बॉटल पानी की कंप्लीट हो चुकी है एंड आई एम सो हैप्पी गाइस, क्योंकि पता नहीं कितने दिनों बाद आज मैंने दूसरी बॉटल कंप्लीट की है और तीसरी बॉटल मैं अभी भर के लेके आऊंगी और उसको भी कंप्लीट करके रहूंगी. यस गाइस, बाकी थोड़ा पढ़ने में आज लिटरली आलस आ रहा है. I mean, इतने दिनों बाद मैं ऐसे एक प्रॉपर शेड्यूल में बैठी हूँ ना, रोज कुछ ना कुछ हो जाता था तो आज थोड़ा दिक्कत है, बट कोई बात नहीं भाई, हम सही ले आएंगे अपना सिस्टम. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस. क्यों आप कब आ गए? आ जाओ गिले मिल गया पे. हाँ चले चले. आज इतने टाइम बाद मैं ये खा रही हूँ नारंगी, मम्मा को किसी ने दी है. टाइम तो मीठी है, मीठी. सोचा था एक ही खाऊंगी, ये दूसरी भी लेके आ गई मैं यार. हाय यार, मन करता है भाड़ में जाए पढ़ाई, मुझे खेती बाड़ी करनी है और हमेशा पूरे जीवन इसी घर में रहना है गाइस. एनीवे, ये सेशन मेरा डेडिकेटेड था न्यूज़पेपर के लिए, और वैसे तो मैंने एक घंटा दिया था न्यूज़पेपर के लिए, बट एक घंटा से ज्यादा ही लग गया यार. मार, मैं खाना खाने आ गई है. मम्मा लगा भी शेला आपको ठीक ठाक है. मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा के. मम्मा चश्मा कहाँ आपने रखा, दिखा. ये देखो इतनी गरीबी आ गई कि चश्मे के लिए ये क्या चश्मे रखने का केस नहीं है. ये देखिएगा ऐसे, ये पता नहीं क्या बनाया है. ये क्या, ये ये लोअर का जेब है गाइस, ये लोअर का जेब है यार. तन्मय की लोअर एक फटी थी, उसका जेब निकल. रुको दिखाओ. मेरे पैर नहीं है ठंड, चुप रहो आप. हाँ गाइस, बज गए हैं 8:30 हो गए यार, 8 बजे आना था. फिर थोड़ा मम्मा के साथ बैठ के मुझे मजा आता है, फिर 8:30 हो गए. पता नहीं खारिश क्यों लग रही है मुझे इतना ना सर पे. जुए नहीं है. हाँ डैंड्रफ तो हो सकता है यार. डैंड्रफ तो जीवन में पता नहीं जाएगा भी किसी दिन की नहीं जाएगा. लेट्स स्टार्ट गाइस. मेरी दूसरी तीसरी बॉटल कंप्लीट हो गई है, बस एक बचा है एक. तो गाइस वैसे मेरे लास्ट वाले सेशन में मैंने सोचा था अभी मेरा बचा था मंथली वाली मैगजीन और रिवीजन करने के लिए भी बचा था, बट मैं चाहती हूँ ये मेरी हिस्ट्री थोड़ी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो अब 2-3 दिन के अंदर. सो फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ी इस वाले सेशन में और अराउंड 10:30, वैसे तो मुझे 11 बजे तक पढ़ना था, बट अराउंड 10:30 बजे ही मैंने अपनी पढ़ाई को समाप्त कर लिया था. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.